बेमेतरा जिले के ग्राम झालम में बना प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य फंड के अभाव में बदहाली के आंसू रो रहा है। हालात तो ये हो चले हैं कि 72 एकड़ में बने गौ अभ्यारण्य में ना छाया है ना हरियाली है। 5 साल में पूरी तरह से ये बंजर हो चुका है। आपको बता दें कि गौ अभ्यारण्य का लाभ क्षेत्र के ग्रामीण किसानों को नहीं मिल पा रहा है। अभ्यारण्य में पशुओं की संख्या भी लगातार कम होती जा रही है। गोकुल योजना के मुताबिक अभ्यारण्य में हरे भरे छायादार पेड़ों के अलावा गायों के चारे के लिए 22 एकड़ क्षेत्र में हरी घास उगाना था। पानी के लिए दो बोर किए गए थे। जलस्तर गिरने से एक बोर नाम मात्र का पानी दे रहा है और दूसरा बंद पड़ा हुआ है। करीब 180 जानवर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ 8 की लेबर स्टाफ है और 2 की कर्मचारी वाला है और शासन द्वारा पैरा भूसा की व्यवस्था की जा रही है पर्याप्त मात्रा में। न तो यहाँ सेट की व्यवस्था है, न तो कर्मचारी मन के रहे पर कोई महल रहे नहीं है। मकान पूरा सुविधा है। तो क्या चाहता आपका अपन करो सर? मतलब सेट की संख्या बढ़ाया जाए ताकि गाय की संख्या बढ़ गई है।